ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लुधियाना के नूरपुर गांव में ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां ज्ञात हमलावरों ने पत्नी और बेटे समेत एक रिटायर्ड एएसआई की तेज धार हथियार से हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर के दरवाजे को तोड़कर वारदात वाली जगह का मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। रिटायर्ड एएसआई और पत्नी समेत बच्चे की हत्या कर दी गई है। लुधियाना में ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला तीनों पर नुकीले हथियार से वार किए गए। इस ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां ज्ञात हमलावरों ने पत्नी और बेटे समेत एक रिटायर्ड एएसआई की तेज धार हथियार से हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर के दरवाजे को तोड़कर वारदात वाली जगह का मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एक ही परिवार के इन तीन लोगों की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तीनों पर नुकीले हथियारों से वार किए गए हैं। बता दें आपको कि रिटायर्ड एसआई समेत उनकी पत्नी और बच्चे की हत्या की गई है। फिलहाल ये पूरा मामला क्यों सामने आया, घटनाक्रम क्यों हुआ, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस ट्रिपल मर्डर के मामले से इलाके में सनसनी का माहौल है। लुधियाना में ट्रिपल मर्डर का यह मामला इन तीनों पर ही नुकीले हथियार से वार किए गए हैं। बीती रात का यह पूरा मामला जहां पर ट्रिपल मर्डर किया गया। संवाददाता शिप्रा हमारे साथ फोन लाइन पर। शिप्रा, विस्तार से जानकारी दे, ट्रिपल मर्डर का यह मामला है, किस तरह की जानकारी दे पा रही है पुलिस, क्या है पूरा घटनाक्रम? शिप्रा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शिप्रा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लुधियाना में ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला, एक रिटायर्ड एसआई समेत उनकी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि किसी नुकीली चीज से उन पर प्रहार किया गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाके में सनसनी का माहौल है। फौरी तौर पर अभी पुलिस प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद लोगों में दहशत का आलम है। एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के बाद पूरे इलाके में लोग खौफजदा हैं। रिटायर्ड एएसआई थे जिनकी पत्नी समेत बेटे की भी हत्या कर दी गई है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक बहल जुड़ गए हैं। अभिषेक, लुधियाना में ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला है, लोग खौफजदा हैं, पुलिस का क्या कहना है, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? बिल्कुल सर, आपको बता रहे हैं कि जिस तरह की ये ट्रिपल मर्डर की रात की घटना है और इसके बाद पूरी तरह गाँव में जो है सहम और डर का माहौल पूरी तरह फैल चुका है, क्योंकि एक ही जो रिटायर्ड एएसआई था जिसका ये उसके परिवार का ये मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं ये पुरानी रंजिश का मामला दिखाई दे रहा है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस नुकीले हथियारों से ही इस परिवार की हत्या की गई है। और आपको बता दें कि रिटायर्ड एएसआई की पत्नी भी जो है वो सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी और उसका भी इस हत्या हो गई है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि इस घटनाक्रम में जो एक जो शख्स था उसका वो मृतक का सारा रखता था, उसकी भी इस हत्याकांड में हत्या कर दी गई। तो कुल मिला के अगर बात करें, ये आपसी रंजिश का जो मामला दिखाई दे रहा है तो उसके बाद ही ये जो है मर्डर हुआ। जब इसके परिवार से हमने बात की तो परिवार वालों ने बताया कि जब वे अपने परिवार को संपर्क कर रहे थे तो उनके परिवार की तरफ से कोई फोन ना उठाया गया, तो फिर उन्होंने इसको संगीनता से लेते हुए तो जब घर पे आए तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार घर में जो खून था वो लखपत से पूरा घर हुआ होता, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना जो है पुलिस के उच्च अधिकारी को दी। जी बिल्कुल। लेकिन अभिषेक, जिस तरह से पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है, पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है, क्या अधिकारियों से बात हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, इस समय पुलिस अधिकारी अलग अलग टीमें बना के इस मामले को संगीनता से लेते हुए, क्योंकि रिटायर्ड एएसआई का ये हत्या का मामला है तो पुलिस इस हर पहलू को
बारीकी से जांच कर रही है कि कहीं ना कहीं किस के साथ इस जो एएसआई की रंजिश हो सकती है उसको हर एक पहलू से आधार पर देखा जा रहा है, हर एक तफ्तीश की जा रही है, हर एक बारीकी की से जो बारीकी तरीके से इसको खंगाला जा रहा है कि कहां कहां किस किस इस के संपर्क में रहा था ये एएसआई और किसके साथ इसकी रंजिश हो सकती है, सारे हर एक पहलू पर इसको पुलिस जो है खंगाल रही है। जी अभिषेक, पुराने रंजिश की जिस तरह से बात सामने आ रही है और परिजन जिस तरीके से इसकी आशंका जता रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई नामजद एफआईआर दी गई है, किसी की शिनाख्त की गई है कि इन लोगों के साथ उनकी रंजिश थी और उन पर शक जताया गया, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? कुल इस मामले में जिन पर परिवार को शक था तो उन्होंने उनका पुलिस को नाम भी दे दिए हैं, तो अब देखने वाली बात है कि जिन पे पुलिस ये परिवार वाले शक जता रहे थे कि कातिल वो निकलता है या कोई और, ये तो पुलिस की छानबीन में पता चल पाएगा, लेकिन अभी तक जो जो पुलिस है वो हरेक पहलू पर इसको संगीनता से लेती हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। संवाददाता अभिषेक बहल हमारे साथ जुड़े हुए थे कि परिवार के तीन लोगों की हत्या, रिटायर्ड एएसआई समेत पत्नी और बच्चे की भी हत्या कर दी गई है, उनकी पत्नी भी सरकारी स्कूल में अध्यापक थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजनों ने आपसी रंजिश की आशंका जताई है, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।